सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है विनीत और मैं आप सबको स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पार्ट वन पढ़ चुके हैं। पार्ट वन था हमारा एयर का, ठीक है। ये है पार्ट टू, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफेयर एंड वी विल कंक्लूड दिस चैप्टर हेयर, ठीक है। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर, क्या मिलता है हमें। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफेयर, सबसे पहले ये याद रखो कि चार बोल रहा हूँ, पांच लेयर है, ठीक है। तो मैं आपको अरेंज कर देता हूँ फ्रॉम द बिगिनिंग। सबसे नीचे जहां पे आप बैठे हो उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद आता है मीजोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद आता है थर्मोस्फेयर, उसके बाद आता है एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो ये सारी अर्थ की लेयर्स है, ठीक है। अर्थ बोल रहा है, एटमोसफेयर की लेयर्स है, सॉरी, ठीक है। तो याद रखना, तो ये सारी जो थी ये एटमोसफेयर की लेयर है। सबसे वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, ठीक है। अब थोड़ा हम जल्दी करते हैं, ज़रा इतना समझ गए, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ईजी टू डू है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं, तो जहाँ जिस एरिया में हो, तो ठीक है, जिस एरिया में आप हो अभी, ठीक है, ठीक है, जहाँ पे भी तुम बैठे हो, ठीक है, ये एरिया है जहाँ तुम बैठे हो, तुम सांस ले रहे हो, ठीक है, ब्रीद कर रहे हो। तो जिस एरिया में तुम्हें बैठे हो, जिस एटमोसफेयर में तुम बैठे हो, जिस पार्ट ऑफ लेयर में तुम बैठे हो एटमोसफेयर के, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो इसकी हाइट होती है एवरेज 13 किलोमीटर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जितने भी तुम सांस लेने वाली जो गैसेज होती हैं, ठीक है, वो यहीं पे एग्जिस्ट करती हैं। सारे वेदर फिनोमिना जैसे कि रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म, ठीक है, ये इसी लेयर में होती है, ठीक है, ओके। अरे ठीक है, आगे चलते हैं जरा। तो आगे है स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर है, इसकी हाइट होती है 50 किलोमीटर, ठीक है, और ये सारे क्लाउड से फ्री है। जितने भी एरोप्लेन्स है वो इसी लेयर में क्या करते हैं, उड़ते हैं, ठीक है। जितने जो एरोप्लेन्स है वो होते हैं वो इसी लेयर में उड़ते हैं, ठीक है। इसी के अंदर आपको ओजोन मिलेगा। अब ओजोन क्या है सर? तो बेटा मैंने बताया था कल कि जो एटमोसफेयर है वो हमें सन के हार्मफुल रेज से बचाता है। तो वो जो एटमॉस्फेयर का लेयर है, ठीक है, वो तो है स्ट्रेटोस्फेयर, और जो गैस हमें हार्मफुल रेज से बचाती है उसको बोलते हैं ओजोन, ठीक है। तो हमें हार्मफुल रेज से जो लेयर बचा, जो गैस बचाता है उसका नाम है, गैस बचाता है उसका नाम है ओजोन, और ओजोन का मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, मीजोस्फेयर, ठीक है। तो मीजोस्फेयर में क्या है, तो मीजोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, और ये 80 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है। तो मीजोस्फेयर, ठीक है, मीजोस्फेयर थर्ड लेयर है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर होती है। इसकी हाइट होती है 80 किलोमीटर। जितने भी मीटेरॉइड्स होते हैं वो इसी के अंदर ही एंटर करते हैं। तो इस लेयर का सिग्निफिकेंस क्या है, तो आपने देखा होगा जब आप रात में सो रहे होते छत पे, तो आपके सर के ऊपर से, ठीक है, क्या जाता है, टूटता हुआ तारा, जिसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार्स, ठीक है। तो जो शूटिंग स्टार होते हैं वो एक्चुअली में होते हैं मीटेरॉइड्स, ठीक है। ये मीटेरॉइड जब कहाँ आता है, मीजोस्फेयर में आता है, कहाँ आता है, मीजोस्फेयर में जब ये आता है, ठीक है, तो मीजोस्फेयर में ये बर्न हो जाता है, ठीक है, जल जाता है, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से जलता है, जल जाता है। तो ये याद रखना, ठीक है। तो ये मीजोस्फेयर हो गया कि भैया 80 किलोमीटर तक इसकी जो लेयर है वो 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। उसको आता है थर्मोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर सबसे गर्म स्फेयर होता है, थर्मोस्फेयर को आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। इसकी हाइट होती है 80 से 400 किलोमीटर, ठीक है। जितने भी रेडियो ट्रांसमिशन होते हैं, ठीक है, जिससे कि आप यही बैठ के
मेरी लेक्चर देख रहे हो, तो लेक्चर कैसे देख रहे हो, पहले तो इंटरनेट ट्रांसमिशन हुआ, सॉरी आप बात कर रहे हो किसी से, ठीक है आप किसी से बात कर रहे हो, तो इंटरनेट वो रेडियो वेव जो है वो ट्रांसमिशन हुआ वो सेटेलाइट के पास, सेटेलाइट के बाद वो सेकेंड पर्सन जिससे आप बात कर रहे हो उनके पास पहुँचा हुआ है ना। तो ये जो रेडियो ट्रांसमिशन का काम है वो भी इसी लेयर में होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं थर्मोस्फीयर। ओके सो इम्पॉर्टेंट नेम, ठीक है याद रखना। आगे एक्सोस्फीयर, तो एक्सोस्फीयर सबसे बाहर वाली लेयर है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, ठीक है, जितने भी हल्की गैसेज है हीलियम हाइड्रोजन वो इसी के अंदर होती है, ठीक है इसी के अंदर होती है। अब वेदर और क्लाइमेट क्या होता है सर, ठीक है, तो देखो वेदर और क्लाइमेट नथिंग जो सडनली मतलब एक टाइम पीरियड में, जैसे एक घंटा हो गया, एक दिन हो गया, ये एक हफ्ते के अंदर बदल जाए उसे बोलते हैं वेदर, ठीक है। चेंज इन एटमोसफेयर ऑन द बेसिस ऑफ डे और डे और नाइट ऑन इन एन आर एन आर आर टू आर एंड डे टू डे इज कॉल्ड वेदर, ठीक है। तो वेदर क्या होता है, जो दिन पे जैसे एक ही दिन में बदल गया, एक घंटे में बदल गया भैया मौसम, ठीक है, तो आपने देखा भी होगा वेदर फोरकास्ट, तो वेदर फोरकास्ट होता है, ठीक है, क्लाइमेट फोरकास्ट नहीं होता। क्लाइमेट क्या होता है, तो भैया ये लंबे समय में जब एक ही जैसा वेदर, एक ही वेदर लंबे टाइम तक चलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लाइमेट। ओके याद रखना, एंड देन क्लाइमेट पर चल गया टेम्परेचर, एक बार पढ़ लेते हैं फिर आप लोग बोलोगे, ठीक है। इज इट गोइंग टू बी रेन टूडे, इट विल इट बी ब्राइट एंड सनी टूडे, हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हर्ड, ये हमने बहुत बार सुना है क्रिकेट फैंस के मुंह से कि भैया वेदर कैसा है, बारिश होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो वेदर क्या होता है, वेदर इज द आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर, है ना। अ हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक यू मोर इरिटेटेबल, ज़्यादा गर्मी होगी तो आप इरिटेटेबल फील करोगे, अच्छा होगा तो बाहर जाने का प्लान करोगे, आउटिंग करने का प्लान करोगे। अब व्हाट इज क्लाइमेट, ठीक है, द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट क्लाइमेट। देखो जब एक ही प्रकार का वेदर, ठीक है, लंबे टाइम तक चले, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं क्लाइमेट। ओके उसे क्या बोलेंगे हम, क्लाइमेट। अब टेम्परेचर पे आ जाते हैं, अब टेम्परेचर क्या होता है, जो टेम्परेचर तुम अभी फील कर रहे हो ना वो एटमोसफेयर का टेम्परेचर है, ठीक है। तो तुम अभी थर्मामीटर में जाओगे, ठीक है, थर्मामीटर में आपको क्या दिखता है कि भैया नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, 28 डिग्री डिग्री सेल्सियस हो रहा है मान के चलते हैं। तो ये जो 28 डिग्री सेल्सियस है ये आपके एटमोसफेयर का टेम्परेचर होता है, ठीक है याद रखना, मतलब ये आपके सरफेस का टेम्परेचर नहीं होता, मतलब जो जमीन का टेम्परेचर होता है उसका टेम्परेचर नहीं होता, ये हवा का टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस इन द एयर इज नोन एज टेम्परेचर, जितना भी डिग्री में हॉटनेस या फिर कोल्डनेस होती है उसी को बोलते हैं टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ कुछ ये दे रखी है, थर्मामीटर है, थर्मामीटर का यूज़ क्यों होता है, टेम्परेचर को मेजर करनी है, बैरोमीटर का यूज होता है प्रेशर को मेजर करने के लिए, एटमोसफेयर प्रेशर को, रेन गॉग का यूज होता है कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुआ है उसको मेजर करने के लिए, विंड वेन का यूज होता है कि विंड का डायरेक्शन को मेजर करने के लिए, समझ गए, वेरी गुड, बहुत चालाक हो जी आप तो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, ठीक है। तो टेम्परेचर का एक मेन याद रखना, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर का, वो इंसुलेशन। अब इंसुलेशन क्या है कि कितने अमाउंट में सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी कितने अमाउंट में हमारे पास पहुंच रही है उसी को बोलते हैं इंसुलेशन, ठीक है। तो इंसुलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, अर्थ के द्वारा पकड़ी हुई कितनी सूर्य की गर्मी उसे क्या बोलते हैं एनर्जी, उसे क्या बोलते हैं इंसुलेशन, ठीक है। अमाउंट ऑफ इंसुलेशन इंक्रीज द क्वार्टर टुवर्ड द पोल, भाई सबसे ज्यादा धूप का प्रभाव कहाँ होगा, अफेक्ट कहाँ पे होगा, तो इक्वेटर पे होगा, ठीक है। अगर हम पोल की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज होता जाएगा, और सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, इक्वेटर पे, मान लेते हैं ये अर्थ है ये इक्वेटर है, तो आप ऊपर की तरफ जाओगे तो ऑटोमेटिकली भाई हमें पता है सूर्य का तापमान कम होता है पोल्स पे, ठीक है, तो जितना ऊपर जाओगे उतना कम होते जाएगा, है ना। तो ये एक इंसुलेशन हो गया, आगे देखते हैं, इजी है चैप्टर
टेम्परेचर सेम मैनर में डिक्रीज होता है भैया, ऊपर जाते हैं तो बढ़ता है वो, ये जितना हम उसके पास आएंगे इक्वेटर के उतना बढ़ेगा, उतना उससे दूर जाएंगे उतना कम होगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, टू हाई इट वुड बिकम टू वार्म क्रॉप्स टू ग्रो, टेम्परेचर इन द सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेज कंक्रीट। देखो शहरों में ज़्यादा गर्मी क्यों होती है, तो गर्मी का रीज़न ये है कि जो कंक्रीट है वो हीट को एब्जॉर्ब तो कर लेता है लेकिन रिलीज नहीं कर पाता। अब कुछ भी चीज़ तुम अंदर ले आओ उसको बाहर ना छोड़ो तो भाई इसके कॉन्सिक्वेंस आपको पता ही है क्या होगा। अगर गर्मी है ठीक है, गर्मी अंदर आ गई और बाहर नहीं गई तो वो क्या होगा, गर्मी और बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसलिए तुमने देखा होगा कि जो शहर है शहरों में ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर। अब जहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, अब यहाँ भी बिल्डिंग है, यहाँ भी बिल्डिंग है, यहाँ भी बिल्डिंग है, यहाँ भी बिल्डिंग है, तो यहाँ पे क्या होगा, एयर ट्रैप हो जाएगा, एयर ट्रैप होने से क्या होगा, हीट बढ़ जाएगा, होगा कि नहीं। अब एयर प्रेशर क्या है ये हम अगली वीडियो देखेंगे। देखो बहुत छोटे छोटे लेक्चर बना रहा हूँ इसीलिए, ताकि आप बोर ना हो। ठीक है, तब तक के लिए सही बच्चों को जय हिंद। ठीक है।